बिहार के दोनों बैठे ये तमाम लोग जो है ये बैठेंगे और ये संदेश देना है लोगों को कि जिस तरह से सरकार को गिराने की जो कोशिश की गई वो सही नहीं था, जनादेश का अपमान किया गया। वैसे तो बिहार के जो मुख्यमंत्री रेहाय जी है मैडम, जो स्थितियाँ वो कुछ निकल लग रहा था जनादेश दिया था एनडीए की सरकार को और 19 में भी एनडीए की सरकार को मिली और 20 में भी इन्होंने चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर ही लड़ा था। और आप देखे होंगे कि बिहार विधानसभा में इन्होंने खाक में मिट जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मैं साथ नहीं जाने वाला हूं। लेकिन आज बिहार की जनता के साथ छलावा हुआ है और छलावा होकर अपनी खुशी को बचाने के लिए उन्होंने दूसरे का दामन थामा है। क्या लगता है कि हमेशा नीतीश कुमार ने ऐसे काम किए हैं जैसे राजद सरकार में न हो, आप लोग के साथ रहकर सरकार में आ जाना हो, हमेशा उन्हें कुर्सी? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये विचार की लड़ाई है और विचार जिसका बदलता है उसको दुनिया भी माफ नहीं करती है। तो बिहार की जनता इस धोखे को माफ नहीं करेगी, आने वाला समय एक एक आदमी उन्हें बताएगा। आगे की रणनीति क्या होगी? आप लोग ने तो लोकतांत्रिक तरीके से, हम तो सदन से सड़क तक जाएंगे, हर घर में जाएंगे और हम बताएंगे कि इन्होंने किस तरह से धोखा किया है। ऐसे धोखा करनी अच्छी बात नहीं है। रेणु देवी जी थे जो जिन्होंने बताया कि लोकतांत्रिक तरीके से जो पूरा विरोध होगा वो पूरा विरोध होगा। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रामसूरत राय जी हैं, स्थितियां रही सर, क्या उम्मीद थी ऐसी? निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल में जितने मंत्री थे वो सब जनता गरीबों के हित में काम करना चाह रहे थे, काम कर रहे थे। जो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, हमारे मंत्री अपनी बातों को रखना चाहते थे और उनको लगता था कि सारा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। हमको तो ऐसे के लोगों के साथ रहना चाहिए जहां कोई मेरे खिलाफ नहीं बोले, मेरे काम किए हुए कामों के कारनामों को कोई उजागर नहीं करे, इसलिए उन्होंने ये भागने का काम किया है। और वो कल कह रहे थे कि कुछ लोग सामाजिक वातावरण को बिगाड़ना चाह रहे थे। मैं कहना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अभी शपथ ग्रहण लिए नहीं है, जिनके साथ सरकार बनाने गए हैं उनके लोगों के द्वारा मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, राष्ट्रीय क्रिमिनल एक्ट बनता है तिरंगे को काट करके उसमें गोल चक्र को हटा करके उसमें जो है चांद और तारा का लोगो लगा करके झंडा फहराने का काम किया है। ये आप समझ सकते हैं कि चंद लोग जो एनआरसी सीए के खिलाफ लड़ना चाह रहे थे, हम लोग लड़ना चाह रहे थे और उसमें वो साथ नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने साथ छोड़ने का काम किया है। आज वो औराई के अंदर वो झंडा फहरा रहा है, इससे संदेश साफ होता है कि वो लोग चाहते हैं यहाँ पर एनआरसी के माध्यम से सीए के माध्यम न लागू हो और यहाँ पाकिस्तानी लोग आवे, बांग्लादेशी आवे, घुसपैठ करे और इस पर यहाँ पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये कभी भी बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। सर, शराबबंदी की विफलताओं को लेकर भी संजय जायसवाल ने बात कही थी, उनका भी लगता है क्या उनको बुरा लग रहा था क्योंकि गृह विभाग से लापरवाही? बिल्कुल शराबबंदी जो उन्होंने किया सफल नहीं हो पा रहा है, आम आवाम गरीब गुरबा परेशान हो रहा है। हम लोग समीक्षा चाहते थे और हम लोग सभा उठाते थे, बहुत सारी मुद्दों पर टकराहट होती थी और उनको लगता था कि भाजपा दबने वाली नहीं है, भाजपा का हर मंत्री दमदार है, अपनी बात को रखता है, इसलिए वो छोड़ के भाग गए। सूरत राय जी थे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी भी है सर, लाइव सर जुड़े हुए हैं सर, कुछ अपनी बातों को रखें सर। जिस तरह से नीतीश कुमार ने एकाएक फैसला लिया, आप लोग को भी अचंभित कर दिया और जो स्थितियां बन रही थी, क्या ये तुरंत की स्थिति है या दिमाग में उनके चल रहा था सर? नहीं देखिए, वे अपने व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए इस तरह के राजनीतिक घटना चक्र को उन्होंने अंजाम दिया है, क्योंकि 2017 में भी जब वो राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुए ठीक यही पंक्ति उन्होंने कही थी कि राष्ट्रीय जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास किया है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो अलग हुए, भ्रष्टाचार के मुद्दे खत्म हो गए क्या? और ठीक यही आरोप उन्होंने कल लगाया कि भारतीय जनता यूनाइटेड को तोड़ने का प्रयास कर लिए। तो इस तरह के जो उनके सगुफे हैं वो समय समय पर अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए वो लाते रहते हैं। सर, बिहार में सृजन जैसा बड़ा घोटाला हुआ सर, मुख्यमंत्री उस समय
क्या इन तरह के जांच में क्या कुछ लगता है कि कुछ नहीं? देखिए ये सब तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, उसका उस पर काम चल रहा है, उस पर वो एक अलग चीज है। लेकिन नीतीश कुमार जी जिस पर कि भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा किया, सबका साथ सबका विश्वास, और हम सब हमेशा भरोसे की राजनीति की, और उस भरोसा को उन्होंने तोड़ा। वो कोई भारतीय जनता पार्टी के भरोसे को नहीं तोड़ा है, उन्होंने बिहार के आवाम के भरोसे को तोड़ा है, और बिहार के जनादेश के साथ उन्होंने विश्वासघात किया है, और ये बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार के लोगों के लिए सदन से सड़क तक हमें जाना है, हम जाएंगे। तेजस्वी की सर बेनामी संपत्ति का सर जो आप लोगों ने जिक्र किया था सर, आखिरी एक सवाल सर, क्या लगता है भाजपा सर उससे ज्यादा? चलिए देखिए, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी थे जिन्होंने पूरी बातों को जो है बारीकी से रखा कि नीतीश कुमार किस तरह से कैसे बदल रहे हैं, किस तरह से वो राजनीतिक समीकरण जो अपने बनाने के लिए समय समय पर उनका जो बयान जो बदला है, किस तरह से जो स्थितियां। आप देखिए, मैं फिर से तस्वीरें दिखा दूं, तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी लोग बैठे हुए हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और ये महाधरना इसीलिए है। देखिए जो संबोधन अब चल रहा है, मैं उनके बारे में आपको परिचय दे दूं, बिहार सरकार के वो मंत्री हैं, रामप्रीत पासवान हैं, PHED मंत्री, यानी मुख्यमंत्री की जो एक सात निश्चय योजना जो थी जिसमें हर घर नल जल योजना लगाने को जो कार्य होता था, इनके भी विभाग से, यानी तीन विभाग होता था जिससे काम होता था, नगर विकास विभाग, PHED विभाग और ग्रामीण विकास, यानी तीन विभागों से यह काम होता था। उसमें एक मंत्री ये भी थे, और इनका भी ये आरोप था कि जो बिहार में सात निश्चय योजना के तहत जो काम हो रहा है उसमें गड़बड़ी थी। तो जो बीजेपी के तमाम जो नेता और मंत्री जो अब खुल के जो बातों को रख रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि जो गड़बड़ियां थी वो अगर उसका बात अगर किया जा रहा था तो वो उन्हें पसंद नहीं था। देखिए बिहार से करके मंत्री आलोक रंजन जी हैं, खेल मंत्री हैं हमारे साथ, उनके बगल में जीवेश मिश्रा जी बैठे हुए, श्रम संसाधन मंत्री। सर स्थितियां जो बनी, क्या उम्मीद थी आप लोगों को, लग रहा था कि ऐसी स्थिति हो पाएगी? नीतीश कुमार लगातार बात कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के साथ नहीं जाएंगे, मगर अब आप ही लोग पढ़िए भ्रष्टाचार। नहीं, हम देखिए नीतीश कुमार जी जिस प्रकार से इस राज्य के जनादेश के साथ विश्वासघात करने का काम किया, हम लोग लालू जी कहते थे कि ये पलटू राम है, नीतीश कुमार जी ने स्थापित कर दिया कि सही में हम पलटू राम, और उनको सिर्फ सत्ता के अलावा वो किसी सत्ता के लिए किसी से समझौता कर सकते हैं, इस बात को नीतीश कुमार ने स्थापित करने का काम किया। बीजेपी से शायद उनको ये डर लग रहा था कि महाराष्ट्र जैसे हालात ना हो जाए, ये स्थिति बन रही है, ये सब उनका बहाना था। नीतीश कुमार जी लालू जी के पार्टी को, उनको लगता है कि नीतीश कुमार जी ने जो लालू जी का भ्रष्टाचार था उसको उजागर करने का काम जो उनके ही पार्टी के लोगों ने सारा पत्र दे करके उजागर करने का काम किया, और उस पत्र को उनको लगता था कि जब इस पर कार्रवाई होगी तो आने वाले समय में हम राष्ट्रीय जनता दल को अपने अंदर समाहित कर लेंगे, इस कारण से उन्होंने इन सारी बातों का रास्ता ढूंढने का काम किया, और इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा करके कि भारतीय जनता पार्टी हमको समाप्त कर रही थी, हमको अपमानित कर रही थी, ऐसा आरोप लगा करके उन्होंने इस बिहार के 13 करोड़ जनता के साथ उन्होंने धोखा करने का काम किया।